हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 25th ऑफ दिसंबर, यानी क्रिसमस। तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू सर। ये मुझे साफ़ करना है, ये सब मुझे अभी क्लीन करना है। दिन भर मेरा जो दूसरा चैनल है उसके लिए मेरा काम जो है वो चालू था, और यहाँ पे पिंपल्स आ गए हैं एक और दो। तो देखिए, चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी कलर बार का फाउंडेशन। देखिए, तो फाउंडेशन के बाद थोड़ी सी कॉम्पैक्ट स्टेक विकी का आईलाइनर, लिपस्टिक एंड NYB का काजल। एंड दिस स्टेक विकी का आईलाइनर। देखिए, मेकअप जो है वो हो गया है और मैं हो गई रेडी। इतना मेकअप भी किया ना तो भी फ्रेश फील हो जाता है। चलो, डोसा जो है वो भी रेडी हो गया है। Thank you.
डोसा। नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। देखिए डोसा जो है वो बन चुका है यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। इसे ऊपर से ऑयल जो है वो लगाती हूँ। एक्चुअली कम ऑयल में करना चाहती थी लेकिन इतने कम ऑयल में नहीं होगा। इतने भी कम ऑयल में नहीं होगा। अच्छा हुआ है। और मेरे रूम की आप अरेंजमेंट जो है वो देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट जो है वो चेंज की है। देखिए ये रूम जो है यहाँ पे बेड लगाया है और टेबल जो है थोड़ा सा अंदर डाल दिया मैंने इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे भी स्पेस जो है वो बढ़ गई है। सो यू कैन नोटिस दिस, बहुत ज़्यादा अभी स्पेस बढ़ गई क्योंकि मैंने टेबल जो है वो अंदर डाल दिया। ये थोड़ा सा यहाँ तक था ना वो अंदर डालने की वजह से, देखिए कितनी सारी स्पेस जो है वो बढ़ गई है। और ये जो है ये ट्रॉली जो थी मैंने इसे अंदर डाल दिया, इस किचन कट्टे के अंदर डाल दिया है। सब कुछ अंदर गया, फिर ये टब भी अंदर गया इस तरीके से। कल मुझे इतना डर लग रहा था, वो सब नीचे डाल रही थी रुचा, तो मुझे लग रहा था ये मेरा टेबल कांच का है तो कहीं टूट ना जाए, वही तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था बस। और ये देखिए ये सब अंदर गया, सब कुछ अंदर गया, तो यहाँ की स्पेस जो है वो अगेन बढ़ गई है। चलो डोसा खाती हूँ अभी। बहुत ही करारा करारा और क्रिस्पी क्रिस्पी सा डोसा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। एक्चुअली मेरे पास चटनी भी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी क्योंकि वीडियो शूट करती हूँ कितना टाइम निकल जाता है समझ में नहीं आता। और वो शूट करते वक्त कैसे होता है, ट्राइपॉड जो है वो सेट करना पड़ता है, वो सब कुछ फिर एडिटिंग करना पड़ता है। स्पेशली ब्यूटी व्लॉग्स जो बनाती हूँ ना उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसमें सब आपको करेक्ट तरीके से बताना पड़ता है, तो दूसरे चैनल के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। व्लॉग तो हम अभी जैसे मैं कर रही हूँ ये नॉर्मल लाइफ ही दिखा रही हूँ, चैनल से कम लगती है। चलो अभी खाती हूँ और मिलती हूँ आपको। और
और कल क्या हुआ वो अभी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुआ था करके। तो बता देती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। मैं रेगुलर मेरे नॉर्मल ब्यूटी के चैनल के जो वीडियोस थे वो शूट कर रही थी। नॉर्मल मेरा रूटीन चालू था और मेरी डॉटर और मेरे पापा एकदम से आए हैं सीढ़ी लेके, और धड़ाम 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 ऊपर से नीचे उनके कुछ जो फाइल्स थे वर्कशॉप के फाइल्स वो धड़ाम धड़ाम नीचे डालने लगे। तो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूम 25 दिसंबर के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लीन की थी, तो मुझे वही डर लग रहा था कि अगर ये रूम तो क्लीन कर सकती हूँ मैं फिर से, लेकिन ये कहीं मेरे नीचे जो टेबल है कांच का टेबल उसके ऊपर गिर गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन। और वो मुझे इंटीमेशन देते हैं ना कि अगर हम ऐसे ऐसे क्लीनिंग के लिए आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर जगह बना के फिर उनको बोलती कि आप काम कर दो करके। लेकिन वो अचानक से रूम में आए और सब ऐसे सब काम करने लगे, और बस थोड़ा सा इंटीमेशन देना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। वही मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि अगर एकदम से कोई आए और ऐसे घुस जाए और कुछ काम करने लगे, और वो भी इतना बड़ा काम था, वो 1 मिनट का काम भी नहीं था, इतना भरा, इतना जल्दी जल्दी में वो काम किया, इस वजह से थोड़ा सा डर लगा मुझे। क्योंकि कोई किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना, वो भी ओल्ड है, यानी पापा भी ओल्ड है, रुचा छोटी है, और मैं तो यहाँ पे मेरा सब क्लीन वगैरह में, यानी मैं फेस्टिव के लिए रेडी हो रही थी और उसमें ये सब हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। और उसकी लैंग्वेज तो आपने देखी वो किस तरीके से बात करती है, उसको तमीज़ नहीं है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से बात करती है, यानी वो कुछ ऐसे नहीं सोचती ये मम्मी है, ये डैडी है, ये ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, ऐसे सोच के वो बोलती नहीं, वो कैसे भी बात करती है। तो वही हर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने उसके बर्थडे के लिए कितनी सारी तैयारी की, शीन के कपड़े उसके लिए परचेस किए और बहुत सारी मेहनत की, यानी मेरे खुद के पैसे जमा करके मैंने उसके लिए कपड़े वगैरह लिए, और उसका जो बात करने का तरीका है वो मुझे हर्ट कर गया। यही था। तो आप में से कुछ लोग सिंपथी या आपको कुछ लगता है मेरे लिए इसलिए आपने मुझे पूछा, तो यही था, यही हुआ था कल। दैट्स इट। मैंने जो कुछ हुआ वो एक्सप्लेन कर दिया शायद आपको प्रॉपरली, लेकिन अभी मैंने फिर से रूम जो है वो प्रॉपरली क्लीन किया है। अगेन मैंने सब अरेंजमेंट जो है वो यानी चेंज करके अच्छे से लगा दिया मेरा रूम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि पर्पल से मेरा एक पार्सल और एक आ गया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ खास नहीं है, वो मैंने आपको बताया ही था कि इतना बड़ा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो ऑफ़र थी वो अच्छी थी, अच्छी डील थी, इसलिए मैंने परचेज़ किया। तो ये है लड़कियों की स्पेशल चीज़, इसकी प्राइस है 30 रुपीज़, देखिए। लेकिन पर्पल से आप परचेस कर सकते हैं जस्ट 23 रुपीज़ में। यस, आई थिंक सो। सो मैंने ये 5 मंगवाए थे, देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है लड़कियों के लिए, और बहुत ही यानी डिस्काउंट प्राइस में मिले हैं मुझे। 5 आप परचेस कर सकते हैं 143 रुपीज़ में। और अगर आप एलाइट मेंबर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एलाइट मेंबर है, तो आपको शिपिंग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं पड़ते,
तो बिल्कुल फ्री शिपिंग रहता है पर्पल का, और 3 दिन में ऑर्डर जो है वो आपके घर पे आ जाती है इन बॉक्स विथ प्रॉपर पैकिंग। तो आप जल्द से जल्द एलाइट मेंबर हो जाइए, और ये सब जो डिस्काउंट्स मैं दिखा रही हूँ मेरे ब्लॉग्स में, तो इसका लाभ उठाइए जैसे मैंने किया है। तो 143 रुपीज़ में मुझे ये 5 मिले हैं, और उसके बाद मैंने और एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है, दैट इज़ दिस। सो ये देखिए, ये अभी तक पार्सल पैक ही है, तो ये मुझे मिला है 60 रुपीज़ में, और ये डायमंड ब्लीच है। मैं खोलती हूँ आपके सामने ही। तो मैं हमेशा यही वाला ब्लीच जो है वो यूज़ करती हूँ। ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला है, तो टोटल सब मिला के, यानी ये सब मिला के मुझे मिला है 200 रुपीज़ में। तो जल्द से जल्द एलाइट मेंबरशिप जो है उसके लिए अप्लाई कीजिए, बहुत ही कम रुपीज़ में। ये 200 रुपीज़ आपके जाएंगे, लेकिन वो जो मेंबरशिप है वो साल भर के लिए रहती है, यानी साल भर जो है वो आपको प्रोडक्ट विदाउट शिपिंग चार्जेस में जो है वो प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाता है। तो यही है, और देखिए मेरा लाइट जो है वो जल जल रहा है ये मेरे पीछे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, इसे करना शेयर लाइक कमेंट। मिलती हूँ आपको कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।